सवाल ये है कि बड़े बड़े गुनाहों से कौन से गुनाह मुराद हैं और छोटी छोटी बुराइयों में से कौन सी बुराइयां शामिल हैं। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि बड़े गुनाहों से अगर तुम बचते रहो तो छोटी कोताहियों से मैं हाँ दरगुदर फरमाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात कही जी इस हवाले से कि अगर कबायर से तुम बचोगे ना तो छोटी गलतियाँ माफ़ कर दरगुदर हो जाएंगे। तो कबायर जो है ना वो उलमा ने इकट्ठे भी कर लिए, इब्न हजर ने भी, हतमी ने लिखी है किताब, इमाम ज़हबी में किताबुल कबायर, दो चीज़ें कुरान हदीस में है ना कबीरे, वो इकट्ठे किए हैं। सादा सी बात यह है कि हर वो गुनाह बड़ा है जिस पर अल्लाह ने लानत की है, जिस पर अजाब जहन्नम का जिक्र किया, जिसके बारे में अपने गज़ब का इज़हार किया, जिस पर कोई सजा मुकर किया कि इसको संसार करो या कोड़े मारो या हाथ काटो, ऐसे सारे जराइम जिस पर लानत हो, जहन्नम की वही दर धमकी हो, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उसकी कोई शरी सजा हद मुकर की हो, ये सारी बातें अर्जन के बारे में हजूर फरमाते हैं कि ऐसा आदमी हम में से नहीं है। बड़ी दबात है कि जब वो मुसलमानों में से नहीं रहा इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। बाकी बहुत सी बड़ी बातें हैं, एक आम उसूल ये तो है कि फहरिस्त बनाएं, दूसरी है कायदे की बात के समझो कि कोई गुनाह कबीरा नहीं अगर वो हट धर्मी से आदमी ने नहीं किया। आपसे जना हो गया, चोरी हो गई, ना प्लान था ना कोई मंसूबा था, बाई चांस ऐसे हालात हो गए, फिसल गए, पहले से कोई स्कीम नहीं और ना फिर आप बाद में डटे रहे, ऐसे सारे अल्लाह के फजल से बख्शे जाएंगे, छोटे ही शुमार होंगे। और जो आपने सोच समझ कर मनसूबे बनाकर देर तक कोशिशें करके किया और बाद में भी उस पर जमे रहे, ला सगीरा तमाले सरार, डट कर करने से फिर कोई सगीरा सगीरा नहीं रहता, वो तो छोटी गलती भी बेहद भी शुमार होती है। ला कबीरा तमाले सरार, माफ़ी मांगता रहे तो कोई कबीरा नहीं, और सगीरा जो है सरार के साथ वो कबीरा ही कबीरा। ये एक गुर की बात है, बाकी जो ना कि बड़े बड़े जो थे जो निशानियाँ मैंने बयान की वो उलमा ने किताबें भी बना दी हैं, अब उर्दू में भी उनके तर्जमे हो गए किताबुल कबायर, पढ़ना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।